सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डिजाइनिंग सीरीज में। सो गाइस, इस बार मैंने एसयूवी डिजाइन किया है। रुको, ये नहीं, ये डिजाइन किया है जो कि बहुत डिफरेंट बनी है मेरे पिछले डिजाइन हैं उनसे, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी डिजाइन बनाए हैं उन सबका ये मिक्सचर होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, और मैं आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि मैंने ऐसे से ऐसे कैसे डिजाइन की सिर्फ एक मोबाइल फोन से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन किया और मैंने अपना स्केच इसमें इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसमें एक न्यू लेयर ऐड करी और मैंने इस डिजाइन के रूफ और विंडोज को एयर ब्रश की मदद से फुल ब्लैक कर दिया। बाकी सारा इरेज करने के बाद अब ये डिजाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। सो गाइस, मेन काम तो यहाँ से शुरू होता है इसकी लोअर बॉडी का। तो सबसे पहले लोअर बॉडी की सिलेक्शन करते हैं। तो भाई लोअर बॉडी की सिलेक्शन हो चुकी है, तो अभी के लिए हम इसमें डार्क ग्रे कलर फिल कर देते हैं, बाकी शेडोज शूडोज हम बाद में करेंगे। सो गाइस, इस लेयर की मैंने ओपेसिटी कम कर दी क्योंकि जो मेरा स्केच है मुझे थोड़ा सा विजिबल हो जाए ताकि मैं डिटेल में डिजाइनिंग कर पाऊँ। और जहाँ पे हम टायर्स लगाएंगे वो वाली जगह हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा लेयर्स पर, अगर जब आप इसको क्लिक करते हो तो जो लेयर है वो दिखना बंद हो जाती है और अगेन आप क्लिक करते हो तो विजिबल हो जाती है। बात तो सही है। तो यहाँ से स्टेप वन हुआ खत्म, अब स्टेप टू स्टार्ट करते हैं शेडोज बना के। बट स्टेप टू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। ट्विस्ट ये है कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी और इस ऐप ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। तो क्या विश्वास ब्रो, अब से वीडियोस बंद? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बेशक इस ऐप ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करना बंद कर दिया हो, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ना एक तो सलूशन होता ही है। तो जैसे ही मैं टूल्स पे गया तो मुझे वहां पे एक टूल दिखा टाइम लैप्स, तो जैसे ही मैंने उस पे क्लिक करा तो जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप स्टार्ट होगी। तो मतलब अब से वीडियोस? अरे हाँ भाई हाँ। स्टेप टू स्टार्ट करते हैं शैडोज बना के। सो गाइस, शेडोज तो बन चुके हैं, बट जो यार ये पार्ट है ना ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, फिर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस लेयर को एडजस्ट करते हैं। तो अब हम इस एयर ब्रश की मदद से लाइट्स की रिफ्लेक्शन को बनाते हैं। हाँ
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट दिया है ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। सो गाइज अभी ये डिजाइन कुछ ऐसा दिख रहा है और इसका फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए पार्ट वन हुआ खत्म, मिलते हैं पार्ट टू में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।